लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। और मैं भी एकदम ठीक हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड था और अभी नाउ आई एम फीलिंग बेटर। टाइम इवनिंग का झाड़ू मैं एक बार जरूर लगाती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, तो अभी स्टार्ट करूंगी। और गाइस मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि कोल्ड की वजह से थोड़ी सी वॉइस मेरी चेंज लग रही हो गई है आपको। तो ये देखिए मेरे साड़ी का पूरा लुक। आप लोग हर बार कहते हैं कि साड़ी का पूरा लुक आप कंप्लीट लुक दिखा दिया कीजिए, तो मैं आज पहले से ही आपको दिखा देती हूँ। और मेरे जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है, ये मैंने खुद से चूज़ नहीं किया था, डिज़ाइन किया था, और स्टिच जो है वो किसी और ने किया है। तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, तो ये मतलब मैंने ही डिज़ाइन करके और कलर कॉम्बिनेशन जो है मैंने ही चूज़ किया था ये पूरा। तो मैं वही डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा साड़ी का पूरा लुक। चलिए फिर अब काम स्टार्ट करते हैं, और अभी इवनिंग का झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं बाकी के काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज मुझे घी भी बनाना है। इससे पहले इवनिंग अभी, क्योंकि फिर मैं घी बनाने बैठ जाऊँगी बाकी काम में तो शाम हो जाएगी, और फिर शाम को झाड़ू नहीं लगता है घर में। तो इवनिंग के 4 बजे ही मैं झाड़ू लगा के अभी फ्री हो जाती हूँ, और फिर मैं बनाऊँगी घी। और घी बनाने के बाद फिर आपसे बीच बीच में मुलाकात भी होती रहेगी, बात करते रहेंगे। तो अभी मेरा झाड़ू हो गया है कंप्लीट। चलिए फिर मैं आपसे बटर बनाते बनाते बात भी स्टार्ट कर देती हूँ करना। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो लाइक कीजिएगा, और हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो अभी मैं आ गई हूँ घी बनाने के लिए। मैं ये 15 दिन की मलाई है, मैं मलाई इसी तरह से फ्रिज में जो है कलेक्ट करके रख लेती हूँ। तो अभी मैं घी बनाने के लिए, देखिए ये मेरे साथ हर बार होता है, जब भी मैं घी बनाती हूँ मेरा बेटा जो है मुझे बहुत तंग करता है। ये देखिए वो परेशान है, वो कहता है कि मुझे करने दो, और पूरे में फैला देता है। तो मैं उसी से बात कर रही हूँ, उसको बोल रही हूँ साइड में जाके बैठो, लेकिन वो इतना ज़िद करता है। देखिए अभी मैं वॉइस ओवर करना बंद करूँगी, उसकी ओरिजिनल वॉइस सुनाऊँगी। बहुत परेशान कर रहा है कि उसको वो बनाना है, और ये हर बार होता है मेरे साथ, तो शुरू से होता है। परेशान करता है ये घी बनाते हुए कि इसको बनाना है, या तो इसको दो वरना ये फेंक देगा। ये देखिए मेरा आपसे बात करते करते, मैंने बहुत कट कर दिया था क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसको, इस तरह से बस एक ही तरह से चलाना पड़ता है क्लॉकवाइज। तो फिर ये देखिए घी कितना सारा जम के इकट्ठे ऊपर आ जाता है, मैं इकट्ठा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा बटर निकल के आ गया एकदम येल्लो कलर का। अब इसको मैं कलेक्ट कर लूँगी, उसके बाद इसको गैस में पका लेंगे, घी बन जाएगा। मैं आपको यही दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा येलो प्योर होता है। मैं ये जन्माष्टमी वाले दिन भी बनाती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन जो पूजा होती है ना, उसमें ये घी लगता है, मक्खन लगता है कान्हा जी को। तो अभी थोड़ा सा घी पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, ताकि मैं इसका घी बना दूंगी और थोड़ा सा पूजा में रख दूंगी, और बाकी का जो घी है वो मैं खाने में यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग करते हैं। सॉरी। और अभी बस ये हो गया है फाइनल, और ये देखिए इसमें मतलब अच्छा खासा घी निकल जाता है। So
सो गाइस, आपने अभी देखा कि मैंने बटर बनाया घी, और ये देखिए कितना सारा बटर इसमें निकलता है, आपको दिखाती हूँ। पता नहीं दिख नहीं रहा लाइट की वजह से ना, ये देखिए कितना सारा बटर इसमें निकल गया है। लेकिन अभी मेरे को बटर नहीं रखना है, मुझे इसका बनाना है घी। मैं घी बना देती हूँ हर 15 डेज में, मैं ऐसा थोड़ा सा, ये 15 दिन की मलाई का है और फिर इसका घी बन जाता है थोड़ा बहुत, तो घर में यूज हो जाता है खाने में, कई बार पूजा में यूज हो जाता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अभी आज अभी मैं, चलिए आपसे बात भी होती रहेगी और घी भी बनता रहेगा, तो बस मैं घी गैस पे चढ़ा देती हूँ क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रोसेस का टाइम लगता है, तो इसमें 15-20 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद ये बनता है। तो ये बनता रहेगा जब तक, चलिए जब तक हम बात करते हैं, क्योंकि इसको पकने में लगता है टाइम थोड़ा सा। आज ना मेरा बात करने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं आज यही। चलिए जब तक बटर बन रहा है, सॉरी घी बन रहा है, जब तक आपसे बात हो जाए थोड़ी सी। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे घी बनाना होता है थोड़ा सा घी रख देती हूँ बनाने के लिए, बनता रहता है। और अभी शाम के हो रहे 6:30, तो मुझे बाकी के काम भी करने हैं। और हाँ, मेरी साड़ी आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आज मैंने स्पेशली ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, आपको दिखाई दिया है मैंने पूरा लुक। कभी कभी मन करता है ना, लेकिन क्या हुआ था कि 2 दिन से ना मेरा मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और हाँ, अगर आप लोग ना ब्लॉग यार पूरा नहीं देखते, प्लीज 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 पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। फिर क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती और फिर आप दोबारा से मुझसे पूछते हैं, और जो कि फिर मेरे लिए भी ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है हर एक बात को बार बार बताना। तो ट्राई किया कीजिए, अगर मतलब यार बहुत छोटा ब्लॉग बनाती हूँ मैं, 8 से 7 मिनट का मेरा ब्लॉग होता है, आप लोग कहने लगे तो मैं 10 मिनट तक लेके आई इस ब्लॉग को, 10 मिनट तक का मेरा ब्लॉग रहता है और इससे ज़्यादा होता भी नहीं है, और 10 मिनट के अंदर ही वो होता है, 8 से 7 मिनट होता है। तो एटलीस्ट 7 मिनट 8 मिनट तो देखा कीजिए, आप लोग देखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत मन करेगा ऐसी ब्लॉग बनाने का। तो ये देखिए ऑलमोस्ट बस थोड़ा पक गया है, और ये देखिए पूरा घी बन गया। अब मैं कर दूंगी गैस बंद, जब ये ठंडा हो जाएगा तब एक बर्तन में पलटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मुझे कहा था कुछ लोगों ने कि आप साड़ी में हैंकी टकिंग कैसे करते हैं वो बता दीजिएगा। सो ये देखिए मैंने एक सिंपल सा हैंकी ले लिया है, तो मैं आज वही बताने जा रही हूँ। और इस हैंकी को इस तरीके से फोल्ड करना है, आप देख सकते हैं मैं बहुत ही इसको फास्ट फॉरवर्ड में नहीं लगा रही हूँ ताकि अच्छे से समझने आ जाए। नॉर्मल ऐसे हैंकी को फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ले लेना है, और इस तरह से लेके फिर आप देखिए पूरा शेप मैं बता रही हूँ, और फिर इस स्पेस पे आके आप मतलब जहाँ हैंकी टक करते हैं, जैसे मैं तो इस तरह से साड़ी पहनती हूँ, कुछ लोग जो है साड़ी का ये वाला जो पार्ट है मैं फिंगर से करके आपको दिखा रही हूँ ढक जाता है, तो फिर हैंकी जो है थोड़ा नीचे की तरफ रखती हूँ। और हैंकी कभी भी इस पार्ट पे नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा अंदर वाली साइड पर जाके करना चाहिए। इससे क्या होता है हैंकी जब दिखता रहता है साड़ी में तो इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसको इस जगह पर आप आराम से टक कर सकते हैं हैंकी। और उसके बाद अगर आप पल्ला लूज करके पहनते हैं तो वैसे पहन सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे भी। ये देखिए मैंने एक सिंपल तरीका, आप इस तरह से करके अपनी साड़ी को छोड़ दीजिए, ये देखिए पूरा जो है आप कर सकते हैं। तो अब मैं बताने जा रही हूँ इसी का एक दूसरा तरीका कि मैं कैसे करती हूँ। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि हैंकी को आप जैसे साड़ी के प्लीट्स आप बांधते हैं ना, उस तरीके से आप हैंकी के मतलब प्लीट्स बना लीजिए, और बनाने के बाद इसको सिंपल सा एक फोल्ड और दे दीजिए जो छोटी शेप में आ जाए। ये क्या होता है कि ज़्यादा बड़ा हैंकी जो है वो लगाना अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, तो आप इस वाले पार्ट में आके जैसे मैं फिंगर आपको करके बता रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आप इस तरह से टक कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल तरीका है और देखने में बुरा भी नहीं लगता है, अच्छा लगता है। और गर्मियों में कई बार हैंकी इधर उधर होता है तो नहीं वो पता चलता, लेकिन साथ में रहता है तो अच्छा भी लगता है पास में। और ज़्यादातर वैसे तो मैं तो नहीं हैंकी कभी टकिंग करती हूँ, क्योंकि
मुझे पसंद ही नहीं है, मैं कैरी कर लूँगी हाथ में, लेकिन कभी सर्च नहीं करती हूँ। बट कई बार ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है करना। ये देखिए तीसरा तरीका मैं बता रही हूँ, इसको ऐसे आपको ट्राइंगल शेप में लेना है और उसको और छोटा ट्राइंगल बना लेना है इसी शेप में आके, फिर उसको फोल्ड कर देना है दो हिस्सों में और वो और छोटा ट्राइंगल बनता जाएगा। ट्राइंगल फिर बनाने के बाद आपको हैंकी को इस तरीके से लेने के बाद, ये देखिए ये थ्री प्लेट्स प्लीट्स बन गई है आपकी, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ ये। और ये बनने के बाद आप इसको टक कर लीजिए बस, सिंपल। और ये तो बहुत अच्छा भी लगता है, कुछ यूनिक लगता है कि अलग सा डिज़ाइन है ये वाला। आपको कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। तो ये है एकदम सिंपल तरीका हैंकी टकिंग का। ये देखिए कितना सुंदर लगता है, कुछ अलग सा ही डिज़ाइन लगता है इसका और देखने में बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और ये वाले हिस्से पे मैं बार बार फिंगर टिप करके बता रही हूँ आपको, वहाँ नहीं करना है। तो बस यही ये तीन तरीके आज के लिए। तो ये देख सकते हैं पूरा आपका हैंकी भी साइड से नहीं दिखेगा, वो पूरा मतलब यहाँ से हट सकता, मतलब अगर पल्ला आप लूज पहनेंगे तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन साइड में रहेगा। अगर थोड़ा बहुत दिख भी जाए तो कोई बुराई नहीं, वो देखने में और भी सुंदर लगता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए ये वाला टिप आई होप आपको पसंद आए। बहुत गर्मी है। सो गाइस यही तरीका है, मैं अगर हैंकी टकिंग चाहूँ तो आप इस तीन तरीके से, मैं मुझे तो यही आता है वैसे। अगर आपको सच बताऊं तो आई डोंट लाइक इट कि ऐसे हैंकी टक करके रखो, बट आपने बोला है तो इसलिए मैंने बता दिया। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं कि आप हैंकी टक कर सकते हैं। तो वैसे आप गूगल पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मुझे यही तरीके आते हैं। इससे क्या होता है ना, हैंकी साड़ी के नीचे आपका मतलब दबा भी रहता है तो दिखता नहीं है। बहुत गर्मी है। सो गाइस आपने देखी लिया कि हैंकी टक मैं किस तरीके से, मैं तो नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक इट, ऐसे हैंकी टक करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट अगर कई बार इन फ्यूचर ऐसा हो जाता है कि आपको टक करना पड़ता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं साड़ी में ना इस जगह बिल्कुल इसी तरह टक कर लेती हूँ हैंकी जब कभी जरूरत पड़ती है। और बहुत गर्मी है यहाँ, आज बहुत गर्मी है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, मुझे कोल्ड भी बहुत हो रहा है, सॉरी। और हाँ, मैं क्या कहते एक बात और बोल रही थी आपको कि मेरे पास ना कुछ दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपनी वीडियो जो है वो HD में बनाया कीजिए, HD में बनाया कीजिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक नॉर्मल सा फोन है रेडमी का और MI का जो फोन होता है वो मेरे पास है। और मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोन देखिए, जिनके घर में बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं चल पाते, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो फोन अक्सर बहुत फोन तोड़ चुका है। और अभी मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं ज्यादा महंगा फोन यूज कर सकूं। बट इस फोन में भी वो फैसिलिटी है आप जो बोल रहे हैं SD 1080। बट क्या होता है, जब मैं उस पर वीडियो शूट करती हूँ तो बहुत ब्लर आने लगती है वीडियो, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। यही वो रीजन है, आपका बार बार मैसेज आ रहा था कि आप HD में किया कीजिए किया कीजिए। और हाँ, मैं बहुत जल्दी एक अच्छा फोन जब भी लूंगी तो मैं जरूर डेफिनेटली बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मेरी वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। बट क्या कर सकते हैं कि अभी मैं नहीं ऐसे पैसे स्पेंड करना चाहती इस चीज में, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा जो बेटा है वो फोन तोड़ देता है अक्सर। मेरे साथ यही हुआ है, मेरा इस फोन को 6 महीने ही हुआ है, 6 महीने पहले मैंने फोन लिया था और 6 महीने में इस फोन की एकदम हालत जो है वो खराब हो चुकी है। तो इस वजह से मैं नहीं लेती हूँ, बट मैं जल्दी ही लूंगी, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं लेने वाली हूँ। मे बी मुझे 2-3 महीने लगेंगे फोन लेने में, एक अच्छा फोन लेने में। और बजट मेरा ज्यादा नहीं है तो मैं कम बजट में ही वो फोन खरीदूंगी। हाँ, कोशिश करूंगी कि उसमें जो वीडियो क्वालिटी हो वो थोड़ी अच्छी हो। और बस सपोर्ट करते रहिए, ऐसी आपका प्यार बना रहे। और